बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। CSS 2019 करंट अफेयर्स क्वेश्चन 6, गिव अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ पाकिस्तान एनर्जी पॉलिसी 2013 to 2018। लेट्स डिस्कस विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। पाकिस्तान एनर्जी पॉलिसी 2013 वाज़ अ हाईलाइटेड कीपिंग an eye on the country's energy challenges and progressing sensible energy headway. Regardless of fundamental, our view of technique would highlight a couple of characteristics and inadequacies. Strength, agar dekhte hain to focus on renewable energy sources. It means you can say hydro energy, solar energy, मैनी अदर जो इसके साथ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। फिर एनर्जी एफिशिएंसी की बात की गई है। ये एनर्जी एफिशिएंसी मेथडोलॉजी इंटेंडेड टू एडिशनली फोस्टर एनर्जी कैपेबिलिटी इन वेरियस रीजन्स इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन डिजाइन एंड इंडस्ट्री टू डिक्रीज एनर्जी यूजेज एंड कॉस्ट। दैन प्राइवेट सेक्टर इन्वॉलमेंट, इससे प्राइवेट सेक्टर्स को भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है फाइनेंशली और उनकी टेक्निक्स जो हैं उस हवाले से। ये स्ट्रेंथ थी। अब हम बात करते हैं वीकनेसेस जो थी इस एनर्जी पॉलिसी जो 2013 से 18 के दरमियान थी उसकी। हमने पहले स्ट्रेंथ की बात की, अब उसकी हम अगर कमजोरियों की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज जो थ्रू आउट द पॉलिसीज पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ को फेस करना पड़ता है वो है मेथडोलॉजी स्टूड अप टू बेसिक चैलेंजेस सिमिलर टू एग्जीक्यूशन पार्टिकुलरली टू द एक्सटेंट दैट गेटिंग सपोर्टिंग एंड बीटिंग अथॉरिटेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्नैक्स। तो ये पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे इश्यूज हैं, डिपार्टमेंटल हैं, कुछ टेक्निकल हैं, ये सारे एक तरह से चैलेंजेस थे। फिर लैक ऑफ डिटेल, ये जो पॉलिसी थी वाज रिप्रीमेंडेड फॉर बीइंग टू वाइड एंड एलिंग इन एम्बिगुअस टारगेट्स प्लान्स एंड फ्रेमवर्क्स फॉर अचीविंग इट्स गोल्स। तो इस पर वो उस तरह से टीम वर्क, जिस तरह से कैपेबिलिटी होती है, टीम कैपेबिलिटीज होती हैं, वो नहीं उस तरह से पहले से बनाई गई। फिर इनएडिकेट अटेंशन टू कोल, रिगार्डलेस ऑफ बीइंग अ कोलोसल वेल स्प्रिंग ऑफ एनर्जी इन पाकिस्तान, कोल गॉट कन्फाइंड थॉट इन द टेक्निक एंड वाज नॉट हाईलाइटेड एज पोटेंशियल वेल स्प्रिंग ऑफ हार्मलेस टू द इकोसिस्टम पावर। एक ये भी मसला था कोल का, इसमें यूजेज बहुत ज़्यादा था। लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन एनर्जी एक्सेस, नो मैटर वर द सिस्टम्स एसेंचुएशन ऑन हार्मलेस टू द इकोसिस्टम पावर, इट डिडंट बेसिकली इन्फ्लुएंस फर्दर क्रिएटिंग एनर्जी एक्सेस इन कंट्री एंड डिस्टेंट डिस्कट्स वेयर एनर्जी पावर्टी रिमेन्स अ ह्यूज टेस्ट। तो ये उसके हमने पहले तो देखे इस पॉलिसी को, उस पॉलिसी के जो अंदर जो चैलेंजेस थे यानी कि उसकी स्ट्रेंथ थी और फिर जो उसकी वीकनेसेस थी, इन सबको हमने डिस्कस किया। अब एट द एंड हम देखते हैं विद एवरीथिंग टेकन इन टू अकाउंट द पाकिस्तान एनर्जी पॉलिसी 13-18 हैड अ कपल ऑफ करेक्टरिस्टिक्स रिकलेक्टिंग ऑफ फिक्सेशन फॉर हार्मलेस टू द इकोसिस्टम पावर एंड एनर्जी एफिशेंसी एंड सीक्रेट रीजन कमिटमेंट। एनी वे द टेक्निक स्टूड अप टू द बेसिक चैलेंजेस कंसर्निंग एग्जीक्यूशन एंड रिक्वायर्ड एक्सप्रेस टारगेट्स कोर्सेज ऑफ ओकेजन एंड फ्रेमवर्क फॉर अचीविंग इट्स गोल्स। Additionally, the methodology called examination for its confined impact on additionally creating energy excess and for not sufficiently watch out for a gig of the coal in the energy mix. Thank you for watching. Allah Hafiz.